मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आज सोलापुर में धरना। मणिपुर सरकार, मोदी सरकार, मणिपुर सरकार। महिन्यापासून बंद आहे, शेती का नागरिकांना होत आहे ती मागणी आम्ही या ठिकाणी कलेक्टर साहेबांना करणार आहोत। मणिपूर मधल्या प्रकरणांतर बघितला आपण, माणूस किंवा कायम फसणारी अशी घटना भाजप राज्य शासित असलेल्या मणिपुर में चल रहे हिंसाचार को देखते हुए हजारों लाखों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाले और गैरकानूनी कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन सोलापुर शाखा द्वारा आज सोलापुर के जिला अधिकारी कलेक्टर कंपाउंड के पास धरना का आयोजन किया था। सोलापुर शहर मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर अध्यक्ष हाजी फारूक भाई शाब्दी इनकी अध्यक्षता में यह धरना का आयोजन किया गया। मणिपुर में चल रहे हिंसाचार को देखते हुए यह धरना का आयोजन किया गया था। मणिपुर में हजारों लाखों लोगों की जानें जा चुकी है, मगर सरकार कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ साथ सोलापुर शहर स्थित अनेक सरकारी कार्यों में ओबीसी के प्रमाण पत्र और सेतु कार्यालय बंद अवस्थित, बिजली कंपनी की लूटमार, रेशम दुकानों में अनाज न मिलने पर, सोलापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा पानी की व्यवस्था न रहने पर, पीने के पानी में जरासीम पाए जाने, ऐसे अनेक मुद्दों को लेकर आज मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन द्वारा सोलापुर में एक दिन का धरना का आयोजन किया गया था। इन सभी मुद्दों को लेकर सोलापुर शहर अध्यक्ष हाजी फारूक भाई शाब्दी और इनके शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी को आवेदन किया। इस वक्त नसीम खलीफा, कोमारो सैयद, माजी नगर सेवक गाजी जहांगीरदार, अजहर हुंडेकरी, रेशमा शेख, मोहसिन मैंदरगीकर, रियाज सैयद, जावीद बागवान, हारिस कुरेशी, इसामुद्दीन पिरजादे, वाहिदा भंडाले, नसीमा कुरेशी, मोइन शेख, याकूब एम आर, मुस्ताक कानकुर्ती, राजा बागवान, इब्राहिम लालकोट, कमरुल शेख वगैरह सोलापुर शहर और जिले के इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहुत सारे नेता और सदस्य उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जमजम न्यूज इंडिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सोलापुर शहर व जिला की तरफ से यहाँ पर सोलापुर शहर में पूनम गेट के पास एक आंदोलन किया जा रहा है, जिसका मुख्य ये जो रीज़न है, जैसे आप सबको पता है कि मणिपुर में पिछले दिनों में जो शर्मसार करने वाली जो हरकत हुई है, जो हमारी माँ बहनों को के साथ ये दरिंदगी की गई है, उसे निषेध करने के लिए हम लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। और इस आंदोलन से हमारी मांग यही है कि मणिपुर की सरकार को बर्खास्त किया जाए, वहाँ की सीएम को बर्खास्त किया जाए और जो भी दोषी है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ये मांग करते हैं। सेंट्रल और स्टेट में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वारंवार ये घटनाएं हो रही है, सरकार क्या आक्षेप ले रही है? देखिए, आप प्रेस वाले हो कि आप खुद बोल रहे हो कि बार बार ये घटना हो रही है, तो आपको जब पता चल सकता है तो आम नागरिक को भी मालूम है कि ये घटनाएं बार बार हो रही है। तो हमारी डिमांड यही है कि और कितनी घटनाएं होने के बाद ही सरकार जागेगी। मैं ये चाहता हूं कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ऐसी सरकारों का संरक्षण करना बंद करें, ऐसे सीएमओ का बचाव करना बंद करें और इन लोगों को ये सजा दे, ताकि आने वाले लोगों को, जो उनकी पार्टी के अगर हो सकते हैं, तो अगर आने वाले लोगों को एक ये मैसेज जाए कि जो गलत है वो गलत है और गलत को कोई भी सरकार हो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते।